जब गर्मा गर्म मसालेदार पॉपकॉर्न के डिब्बे के साथ एक्शन थ्रिलर मल्टी स्टारर फिल्म देखने को मिल जाए तो तबीयत खुश हो जाती है। तो हम भी खुश होने की उम्मीद में जा पहुंचे बादशाहो देखने। फिल्म के निर्देशक मिलन लुथरिया अजय देवगन और इमरान हाशमी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, जिसका कमाल हम द डर्टी पिक्चर और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में देख ही चुके हैं। तो इस बार भी मनोरंजन और चौंकने की उम्मीद में हमने सिनेमा हॉल की गद्दीदार गुलगुली सीट पर तशरीफ रख दी। अजय के फैंस शिवाय के फ्लॉप होने के बाद से बादशाहो के इंतजार में एक साल से बैठे थे। फिल्म के मुख्य किरदारों में अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता, संजय मिश्रा और विद्युत जामवाल हैं। लेखक रजत अरोड़ा ने बादशाहो लिखी है, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्में लिखने में माहिर हैं। लेकिन इस फिल्म में वह अपनी कलम का क्या कमाल दिखा पाए, इस पर आगे चर्चा करते हैं। इसी के साथ बादशाहो में म्यूजिक दिया है अंकित तिवारी और तनिष्क बागची ने। ये दोनों ही उम्दा म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। जबकि आज रियलिस्टिक फिल्मों का दौर है, दंगल और टॉयलेट जैसी फिल्में दर्शकों को खासी पसंद आ रही हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न यह है कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म टिकट खिड़की पर क्या कमाल दिखा पाएगी। चलिए जानते हैं आखिर क्या है बादशाहो की कहानी। कहानी 1975 के आपातकाल के दौर की है। फिल्म में राजस्थानी पृष्ठभूमि को रखा गया है। सरकार ने सभी राजघरानों की अघोषित संपत्ति को सीज कर दिया है। इसी कार्यवाही के चलते सरकार जयपुर की महारानी गीतांजलि इलियाना डिक्रूज के खजाने में रखा सोना भी सीज कर देती है। इस अतः संपत्ति को जयपुर से दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी एक जांबाज आर्मी ऑफिसर शहर विद्युत जामवाल पर है। लेकिन महारानी को डर है कि इस सोने का गलत उपयोग होगा, इसलिए वह अपने बॉडीगार्ड और वर्षों से महारानी के राजघराने के वफादार रहे भवानी से अजय देवगन को सोना लूट कर वापस उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देती है। भवानी से सोने को लूटने के लिए एक पूरी टीम बनाता है। इस टीम का हिस्सा है भवानी से का दोस्त सड़क छाप गुंडा दलिया इमरान हाशमी, जो भवानी के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही ताले तोड़ने में माहिर और हमेशा नशे में रहने वाला पियक्कर तिकला संजय मिश्रा भी इस टीम में है। इनके अलावा महारानी गीतांजलि की करीबी और बेहद खास संजना ईशा गुप्ता भी ये सोना उड़ाने में साथ हैं। सोने को कड़ी सुरक्षा वाले एक ट्रक से जयपुर से दिल्ली भेजा जा रहा है। यहीं से शुरू होता है फिल्म का मुख्य हिस्सा। पूरे रास्ते में एक्शन और सस्पेंस को बेहद अदायगी के साथ पिरोया गया है। साथ ही किरदारों के बीच प्यार और टकराव की स्थिति भी आपको यहीं देखने मिलती है। अब ये ट्रक दिल्ली पहुंचा या बीच में ही इस टीम ने ट्रक को पार कर दिया, ये जानने के लिए पहुंचे नजदीकी सिनेमा घरों में टिकट खरीदें और जान लें। जब 70-80 करोड़ के अच्छे खासे बजट के साथ मल्टी स्टारर फिल्म बनती है तो दर्शकों की उम्मीदें सामान्य तौर पर बढ़ जाती हैं। एक आलोचक की नज़र से देखा जाए तो फिल्म के कई सीन्स में तालमेल की कमी दिखी, चाहे फिर वो विद्युत जामवाल और इमरान हाशमी का चेजिंग सीन हो या फिर मिलिट्री स्क्वाड और लुटेरी टीम के आमने सामने से गोली चलाने वाले सीन। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले दृश्य भी फिल्म में दिखे, जो ना भी होते तो फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इन जबरदस्ती के सीन्स के कारण फिल्म में खिंचाव आ गया, जो कहीं ना कहीं दर्शकों को बोरियत का एहसास कराने लगा। अगर फिल्म को थोड़ा और छोटा कर दिया जाता तो कसावट के साथ कहानी एक बहाव में आगे बढ़ती जाती। हालांकि फिल्म में कुछ बचकाने सीन भी हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे कैसे एक तार से भारी भरकम ताला खुल जाता है, पूरी पुलिस को एक साथ नींद आ जाती है, एक पुलिस जीप बेहद स्पीड के साथ रोड से कहीं दूर पत्थरों पर जाकर गिरती है, पर फिर भी पुलिस वाले को चंद छोटी मोटी चोटें आती हैं। वहीं कुछ सीन्स में तो इतना अंधेरा था कि लगता था थिएटर में बस डायलॉग्स की आवाजें ही गूंज रही हैं। वैसे फिल्म के डायलॉग कड़क और दमदार हैं, पर स्क्रीन प्ले उतना ही ज्यादा घटिया। हर बार की तरह अजय देवगन एक रॉबीली छवि से लवरेज व्यक्ति के तौर पर अच्छे लग रहे हैं। साथ ही अजय की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है। तो इमरान हाशमी का देशी लुक और राजस्थानी फुट के साथ बोले गए संवाद आपको खासे पसंद आएंगे। ईशा गुप्ता की खूबसूरती और पहनावा आपको आकर्षित करेगा। वहीं संजय मिश्रा की हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ फिल्म के बीच बीच में आपको हंसी भी खूब आएगी। वैसे इलियाना पूरी फिल्म में साड़ी पहने नजर आई हैं, जो कि इलियाना के चाहने वालों पर एक कुठाराघात था, लेकिन निर्देशक ने कुछ शुरुआती दृश्यों में इसकी कमी पूरी कर दी है।
विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में अपने किरदार को 110% दिया है। उनका अंदाज और स्टंट भी लाजवाब हैं। बाकी बची कसर सनी लियोनी के आइटम नंबर ने पूरी कर दी। फिल्म में कई सस्पेंस सीन हैं जो कहीं कहीं ट्रैक से उतरती फिल्म को सहारा देते हैं। इंटरवल भी एक बड़े सस्पेंस के साथ होता है जो दर्शकों को फिल्म में बांधे रखने में कामयाब रहा। साथ ही एक्शन भी फिल्म में भरपूर है। निर्देशक राजस्थानी रजवाड़ों की चमक धमक फिल्म में और दिखा सकते थे, पर खूबसूरत आउटडोर लोकेशंस ने इसकी कमी पूरी कर दी। सारे प्लस पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो यह फिल्म एक कंप्लीट पैकेज बन जाती है। अगर आप इमरान हाशमी और अजय देवगन के फैन हैं तो यह फिल्म देखने जरूर जाएं, नहीं तो टाइम पास के हिसाब से भी यह फिल्म एक अच्छा विकल्प है। हमारी स्टार रेटिंग है इस फिल्म के लिए 3 स्टार।